नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तब कुछ लोग रुकावट बन जाते हैं, जैसे कि कुछ घरों के मालिक जिन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। तो जानते हैं कुछ ऐसे ही मकान मालिकों के बारे में, तो वीडियो शुरू करते हैं। हाईवे पर घर। चाइना के ग्वांगझो में सरकार एक हाईवे ब्रिज बनाना चाहती थी, लेकिन एक परिवार ने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। सरकार ने इन्हें अच्छे से अच्छे ऑफर दिए, पर उन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा। चीनी सरकार ने इनसे करीबन 10 साल तक बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद थक हार कर उन्होंने इस घर के आसपास से ही हाईवे ब्रिज को बनाने का निर्णय लिया। एडिथ मैकफील्ड। 84 साल की एडिथ अमेरिका के सियाटल में अपने एक छोटे से घर में रहती थी, पर उसके आसपास की जगह काफ़ी तेज़ी से बदल रही थी और ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थीं। जब एक बिल्डर उसके घर को खरीदने आया तो उसने घर को बेचने से मना कर दिया, तो उसके घर को छोड़कर इमारत बनाना शुरू कर दिया। पर अजीब बात यह थी कि एडिथ और बिल्डर के बीच में दोस्ती का रिश्ता बन गया था। बिल्डर एडिथ की देखभाल करने लगा और उसके लिए दवाइयाँ और घर का सामान लाके देने लगा। पर जब एडिथ 86 साल की उम्र में मरी तो बिल्डर हैरान था, क्योंकि वो घर एडिथ ने बिल्डर के नाम कर दिया था। पर बिल्डर ने इस घर को नहीं तोड़ा और ये घर आज भी वहाँ खड़ा है। लू बाओ जिंग। चाइना के शहर वेनलिंग में सरकार ने जब एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाना चाहा तो उनके काम के बीच में एक घर आ गया। इस घर में एक दंपति रहते थे जिन्होंने यहाँ से हटने से इनकार कर दिया। वैसे तो चीनी सरकार इन्हें जबरन भी वहाँ से हटा सकती थी, पर यह दंपत्ति कोर्ट चला गया और यह मामला दूसरे देशों में भी चला गया था। उसके बाद उनके घर को गिराए बिना ही हाईवे प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया। पर कुछ समय बाद दंपत्ति वहाँ से हटने को तैयार हो गए और फिर घर गिरा दिया गया। वू पिंग। करीबन 3 सालों तक वू पिंग को बिल्डर ने अपने घर को छोड़ने के लिए बात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बिल्डर ने उसके घर की जगह को छोड़कर बाकी के घरों को गिराकर काम शुरू कर दिया। ये घर चाइना के चोंगचिंग प्रांत में था, जहां बिल्डर बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। यहां के करीबन 280 घरों को तोड़ने के बाद वू पिंग का घर खतरनाक तरह से एक टीले पर खड़ा था। फिर जब 2007 में ये घर रहने लायक नहीं रहा, तब वू पिंग ने बिल्डर के ऑफर को मान लिया और घर गिरा दिया गया। ऑस्टिन स्प्रिंग्स। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में ऑस्टिन ने 1980 में एक छोटा सा ऑफिस खरीदा, पर कुछ ही समय में वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें आ गईं और उसका ऑफिस अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वहाँ के कई बिल्डर्स ने ऑस्टिन को $2 मिलियन तक का ऑफर दिया, पर उसने बेचने से इनकार कर दिया। बिल्डर्स ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और हार मानकर उसके ऑफिस को ऐसे ही छोड़ दिया। जब 2011 में ऑफिस की हालत काफ़ी ख़राब होने की वजह से ऑस्टिन ने उस ऑफिस को $7.5 लाख में बेच दिया। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।